ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग। सो सुबह सुबह की शुरुआत होती है और घर से ये नज़ारे नज़र आते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। 8 बज चुके हैं, जो आज है संडे, मतलब आप वीडियो देखेंगे तब आई थिंक सो मंडे ट्यूजडे। ये तो थी मेरी संडे की मॉर्निंग की कहानी। मेन कहानी अभी शुरू होती है। मैं इंस्टाग्राम पर सर्च करने लग गया, फिर अपने स्टूडियो में गया, वहाँ पर भी कुछ आइडिया नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं फिर से आया बेड पे, कि सोचा कि लेट के कुछ आइडिया आ जाए। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग गया, बट वहाँ पे भी कुछ मिला नहीं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि बाथरूम में आइडियाज़ आते हैं, बट मुझे वहाँ पे भी आइडियाज़ नहीं मिले। फिर मेरी नज़र पड़ी मेरी एक बुक पे, मतलब मेरे ड्राइंग शीट पे। अभी उसकी क्या कहानी थी वो आप देख लो। राइट सर, ये रहा अपना वाटर कलर्स। मतलब कि इसे मैं भूल गया था लिटरली। मतलब मैंने इसे कब परचेस किया था, मैंने जब अपना कैनवास वुड परचेस किया था तभी मैंने ये भी उसके साथ परचेस किया था। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट यार भूल गया, कसम से बोल रहा हूँ भूल गया इसके बारे में। क्योंकि ना कोने में पड़ा था, मेरे आइवरी शीट के ऐसे नीचे पड़ा था, तो इसके कारण ना मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यार ये मेरे पास है, क्योंकि सेम साइज़ के और थोड़ा बहुत सेम दिखते यहाँ से। सो अब इस पर कुछ करेंगे, फाइनली इस पर टाइम आ चुका है। लाइक हर एक चीज़ का टाइम रहता है, वैसा ही आज इसका टाइम है। मतलब आज हम अपना वाटर कलर्स निकालेंगे। लाइक बहुत टाइम हो चुका है कि मैंने अपने वाटर कलर्स नहीं निकाले। मैंने लाइक शक्ल भी नहीं देखी उस वाटर कलर्स की, इतना पुराना है। मैं जब ना अपनी ड्राइंग क्लास जाता था ना, तब मैं उसे यूज़ करता था, तब ऐसे सब पेपर पर नहीं बनाता था। ये मेरे फर्स्ट टाइम है ऐसे सब पेपर पर बनाना। उस टाइम पर ना मैं एक नॉर्मल से जो ड्राइंग बुक के पेपर्स होते उस पर हम लोग वाटर कलर्स करते थे। और अभी फिर से कुछ नए पेपर्स के साथ, मुझे अभी पता भी नहीं कि मेरा वाटर कलर्स पे लाइक कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मुझे तो लगता है कि यार मैं बहुत गंदा करने वाला आज का ड्राइंग। सो आज का टॉपिक तो नहीं सोचा है कि क्या बनाना है कैसे बनाना है, बट इतना तो पता है कि वाटर कलर से करना है कुछ, क्योंकि ना मुझे पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं कि मैंने कहाँ पे रखा है। सो एक काम करता हूँ, मैं सब अपने ये वाले ड्रॉअर में रखता हूँ, तो इसे देख लो एक बार मिलता है कि नहीं। हाँ, मुझे मिल गया, एकदम नीचे है ये, देखो ये है जिस वाटर कलर्स की बात कर रहा था। वो सदियों पुराना है वाटर कलर्स, वो ये है। मतलब इसे मैंने देखो MRP भी यहाँ पे लिखी है लाइक 200 की, और अभी का कॉस्ट मुझे पता नहीं ये कंपनी का क्या है, कैमलिन का। मुझे पता रहेगा तो मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे दे डालूँगा कॉस्ट उसका क्या है। और इसे ओपन करते एकदम पुराना रस्टेड हो चुका है बॉक्स, ये पूरा जंग खा चुका है ये बॉक्स एकदम। इसे ओपन करते एकदम टाइट हो गया यार। हाँ, सो ये रहा मेरा क्लासेस के, मतलब मैं जब ड्राइंग क्लास में एक स्टूडेंट था तभी मैं ये सब कलर यूज़ करता था वाटर कलर्स, अपने वाटर कलर्स पेंटिंग बनाने के लिए। सो या ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम कलर मिक्स करते थे यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कलर्स ख़त्म हो चुके लाइक यहाँ पे ना। सो ये थी मेरी थोड़ी बहुत कलर की कहानी। फिर मैं अपना आर्ट वर्क के आइडियाज़ ढूंढने में लग चुका था, थोड़ी बहुत रील्स देखे, थोड़ी बहुत पोस्ट देखे, और फिर मुझे एक वीडियो मिला, वो था ट्रैवल मंडे का, और वो गया था केरला, और मैं भागा क्योंकि मुझे आर्टवर्क बनाने का था। फिर मुझे दिख गया एक फ़ोटो, वो था केरला का, और आप सभी लोगों को केरला विज़िट करना चाहिए। केरला ऐसी जगह है ना कि आप जाके पागल हो जाओगे, इट्स एन हेवन। और ये जो लेक है वो है ब्लैक वाटर लेक, और यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं बोट से। बर के पास जाना होगा या फिर अगर आपको शॉपिंग जाना होगा तो वो लोग बोट से ट्रैवल करते हैं। कितना कूल होगा ना कि बोट से ट्रैवल करना हर एक जगह पे, बहुत ही मज़ा आता होगा। मैं ज़रूर विज़िट करूँगा केरला, मुझे मौका मिलेगा तो। सो मैं आपको वर्चुअली बता रहा था कि किस चीज़ का मैं अपना आर्ट वर्क बनाने वाला। सो अभी अपने आर्ट वर्क की तैयारी करते और जल्द से जल्द केरला विज़िट करेंगे। सो ये रहा मेरा वाटर कलर्स का पेपर सेट, और ये रहा कैमलिन का वाटर कलर्स का किट। बहुत ही पुराना है बट फ़िलहाल के लिए चल जाएगा। और मैं अब यूज़ करूँगा ये पेंसिल। पेंसिल इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ वाटर कलर पेंटिंग में। प्रोफेशनल लोग डायरेक्टली अपने ब्रश से कलर करना शुरू कर देते हैं, बट मैं नहीं हूँ। और फिर मैं अपना ब्रश किट ओपन करूँगा और उनमें से 3-4 ब्रश निकालूँगा,
सो ये रहे मेरे 3 ब्रश। अभी इन ब्रश से मैं अपना आर्ट वर्क कम्प्लीट करूँगा। सो ये अभी क्या करना है, अभी तो सिर्फ हमें आगे का प्रोसेस करना है, और आगे का प्रोसेस आप सभी लोगों को पता है। ऑल राइट, सो ये रहा हमारा आर्ट वर्क का स्टार्टिंग प्रोसेस, मतलब कि मैं आउटलाइन बना रहा था ये शिप का, और थोड़ी बहुत कोकोनट ट्रीज बना रहा था, और फिर उसके बाद मैंने पेपर टेप से पूरा बॉर्डरलाइन कवर कर लिया, क्योंकि हमें एक फ्रेम वाला लुक चाहिए, तो इसके लिए पेपर टेप यूज़ करना है। और फिर मैंने अपना कलरिंग वाला प्रोसेस शुरू किया। सो ये थी कहानी, अभी आगे टाइम लैप्स की कहानी शुरू होती है। फिर सारे कलर को मिक्स करते 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 अपना आर्ट वर्क रेडी हो चुका है। तो ये थी पूरी कहानी आज की आर्ट वर्क की वीडियो की, और ये अभी विदाउट टेप आपको ऐसा लग रहा है, और अभी मैं टेप निकालूंगा ना तो और अच्छा लगेगा। सो ये धीरे धीरे मैंने हर एक एजेस की, हर एक साइड की टेप निकाल दी, और ये कुछ आपके सामने है। मतलब यार क्या लग रहा है। सो अभी जो भी मिस्टेक्स है, जो भी डाउट्स है, अभी मैं क्लियर करूँगा। फिलहाल के लिए तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ही मज़ेदार। ऑलराइट, सो ये अपना आर्टवर्क रेडी हो चुका है, यहाँ पे है आपके सामने। थोड़ी बहुत सी मिस्टेक है, जैसे कि ये नारियल का झाड़ है यहाँ पे, थोड़ी बहुत सी वहाँ पे भी मिस्टेक्स है, थोड़ी बहुत सी शेड्स में भी मिस्टेक्स है, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो ये मिस्टेक, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद मैंने अभी शुरुआत की है, तो ये मिस्टेक इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट फिलहाल के लिए तो ठीक है। ये जो पूरा 10 शीट्स का सेट है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। इंप्रूवमेंट हो जाने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा वाटर कलर्स का, कि इंप्रूवमेंट मेरा हो चुका है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त। आई होप आपको मेरा जो वॉइस ओवर वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और मैंने ना जो ड्रोन शॉट यूज़ किया था वो यूट्यूब से यूज़ किया था, वो चैनल का नाम था ये वाला, यहाँ पे चैनल का नाम है, बहुत अच्छा ड्रोन शॉट है। सो थैंक यू ऑल राइट, सो मैं चाहता हूँ कि 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स आए ये वीडियो पे, केरला वाला जो मैंने आर्टवर्क बनाया वाटर कलर्स का। ठीक है, ये आज का वीडियो का टारगेट रखते हैं, फर्स्ट टाइम टारगेट वाला सीन कर रहा हूँ, बट देखते हैं भी टारगेट वाला सीन कंप्लीट होता है कि नहीं। सो मिलते हैं कैसे एक नए वीडियो में, नए वॉइस ओवर वीडियो में, और बताना कि ये जो वॉइस ओवर किया है मैंने, वो कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया कि नहीं, क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम से ट्राई करने का था, और फाइनली वो दिन आ चुका था ट्राई करने का ये कॉन्सेप्ट, तो मज़ा आ गया। मिलते हैं।
नए वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर। और ड्राइंग तो यार बहुत बढ़िया है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, बाय बाय।